प्रदेश में भाजपा की जीत को चौंकाने वाला इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां भाजपा की नेत्री रीता दीमान को कम आंका जा रहा था, लेकिन उन्होंने 1145 मतों से जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया है। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कमल किशोर को जीत का एक सशक्त दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अंतिम दौर में रोचक बने इस मुकाबले में अंतिम बाजी रीता दीमान ने दर्ज की। अपनी जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने इसके लिए जहां प्रधानमंत्री का आभार जताया, वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि वो एक महिला है और जहां महिलाओं की कुशलता को कम आंका जाता है, लेकिन वो इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का विकास करवा कर ही इसे पिछड़े क्षेत्र से अग्रणी क्षेत्रों में लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता इंदौरा विधानसभा क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में उच्च स्तर पर लेके जाना है, जिसमें वे अवश्य कामयाब होगी। ये लोकतंत्र की जीत है, भाई नरेंद्र मोदी की मेहनत की जीत है, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस परमात्मा जी का जिन्होंने जिनके अपार कृपा से आज हमें ये दिन देखने को आया है, और धन्यवाद करती हूँ मैं अपने शीर्ष नेताओं का जिन्होंने दूसरी बार मुझ पर विश्वास किया और मुझे टिकट दिया, और कर्जदार हूँ मैं इंदौरा की जनता की जिन्होंने एक इतना टूटी रहेगी आपको विकास को लेकर, क्योंकि इंदौरा बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। इंदौरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और मैंने अपने चुनाव के दौरान कोई भी बाधा उनसे नहीं किया, फिर भी लोगों ने इतना विश्वास मुझ पर किया और इतना ज्यादा मुझे प्यार दिया, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगी। इंदौरा के लिए ये सरप्राइज होगा, क्योंकि ये हमारी विरोधी पार्टियां यही कहती रही है कि ये महिला है, महिला से आप क्या काम करवाओगे, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि महिला क्या कर सकती है।